Fiverr.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शिवहर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। दरअसल 3 नवंबर को बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर में वोटिंग है। शिवहर में सिर्फ एक विधानसभा सीट है। यह कभी हॉट सीट में शुमार होती थी। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक के अधिकतर चुनाव में यह क्षेत्र बिहार की सियासत का केंद्र रहा है। शिवहर से बीते 2 चुनाव में जेडीयू को जीत मिली है, पर इस बार मामला बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है कि शिवहर में कभी जातीय फैक्टर और राजनीतिक समीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ की जनता ने जिसे अपनाया उसे भरपूर प्यार दिया, लेकिन किसी को ठुकराया तो फिर मौका नहीं दिया। यहाँ के चर्चित नेता की बात करें तो वो है पंडित रघुनाथ झा। पंडित रघुनाथ झा 1972 से 1990 तक विधायक रहे। इस बार यह सीट चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि मतदान से कुछ दिनों पहले ही जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी सब पूर्व राजद नेता श्री नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमला तब किया गया था जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस बार विधानसभा चुनाव में शिवहर सीट की बात करें तो राजद ने आनंद मोहन और लवली आनंद के पुत्र चेतन आनंद को प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनके सामने 2 बार से विधायक जदयू के सरफुद्दीन हैं। यह सीट जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद बामिक जफीर को लेकर भी चर्चा में है। उनके पिता मोहम्मद जफीर 4 बार शिवहर से चुनाव लड़े, लेकिन एक बार भी जीत नसीब नहीं हुई। इस बार विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर हमले के मामले में 14 दिन तक जेल में रहकर बाहर निकले मोहम्मद बामिक पिता की पराजय को जीत में बदलने के लिए ताल ठोक रहे हैं। वहीं लोजपा से विजय कुमार पांडे भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बिहार के शिवहर विधानसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 2,91,691 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,55,204 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 1,36,475 है। थर्ड जेंडर के भी 12 वोटर हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां कुल 54.82% वोटिंग हुई थी। शिवहर से इस वक्त जदयू के सरफुद्दीन विधायक हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की उम्मीदवार लवली आनंद को पटकनी दी थी। सरफुद्दीन को पिछले चुनाव में 44,576 वोट मिले थे, जबकि लवली आनंद को 44,115 वोट मिले थे। दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। इस बार के सियासी समीकरण को लेकर सभी दल हर तरह के दावे कर रहे हैं। नतीजे क्या होते हैं, इसका खुलासा 10 नवंबर को रिजल्ट निकलने के साथ हो जाएगा। इस खबर में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।